हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हमारे सामने फ्यूचरिस्टिक से बहुत प्यारा सा गाड़ी गाइज, एमजी विंडसर। हम इस वीडियो में कवर करेंगे इस गाड़ी का फुल वॉकर इंटरव्यू, क्या कुछ आपको पर्टिकुलर मॉडल में एमजी फीचर ऑफर करती है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोस। वही बात करूँ एमजी विंडसर की एक शोरूम कॉस्ट की, इस पर्टिकुलर वेरिएंट की एक शोरूम कॉस्ट की 15.50 लाख की शोरूम कॉस्ट हो रही है इंदौर लोकेशन पे। और अभी हम एमजी मोटर्स इंदौर पे इस गाड़ी की रिगार्डिंग हमको भी इंक्वायरी करनी है, तो डीलर नंबर डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है, फटाफट जाए अपना अपॉइंटमेंट बुक करें फॉर फर्दर इंक्वायरीज। वही बात करें इस गाड़ी की भाई, फ्रंट लुक की, फ्रंट प्रोफाइल की और फीचर्स की, तो बहुत ही ढेर सारा आपको गाइस यहाँ पे जो है ना फीचर्स मिलने वाले, लाइक यार टेस्ला वेस्ला वाले फीचर्स गाइस आपको यहाँ पे डेफिनेटली से मिलने वाला है। क्योंकि सामने से भी देखेंगे तो ऐसा लगता है यार एमजी के अगर लोगो हटा देना तो भाई देखो फर्स्ट लुक जो होने वाली लगता है भाई कि टेस्ला वेस्ला ने गाड़ी जो है लॉन्च करी है। सो बात कर लेते हैं फ्रंट प्रोफाइल की, और फ्रंट में जाते ही आपको यहाँ पे जो है ना एमजी की ब्रांडिंग लोगो गाइस मिलने वाली, जो कि भाई एम्बिएंट लाइट के साथ बेहतरीन से आपको यहाँ पे दिया गया है। इवन भाई अगर मैं डीआरएल की बात करूँ तो डीआरएल जो आपके फ्रंट जो है ना करेक्टेड डीआरएल अवेलेबल हो जाती है, एज वेल एज अगर यहाँ पे देखेंगे ये साइड इंडिकेटर का भी वर्क करती है, दैट्स मीन कि ये डुअल फंक्शनिंग है और साइड इंडिकेटर का भी वर्क करती है। इवन यहाँ पे देख लेंगे तो मॉरिस क्रास के आपको यहाँ पे जो है ना बैजिंग देखने को मिलने वाली है दोस्तों। इवन वहीं अगर मैं बात करूँ इसके हेडलैम्प्स की तो फुल्ली सारी चीज़ें वहाँ पे जो आपको अवेलेबल है ना फुल्ली एलईडी पे ही दिया गया है। सो हेडलैम्प की मैं बात करूँ तो एलईडी हेडलैम्प प्रोजेक्टर आपको यहाँ पे ऑफर करी गई है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें ये जो पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो है ना एसेट्स दिख रहे हैं एज ए एसेसरीज यहाँ पे इंस्टॉल है, अगर आप चाहें तो डीलर से इंस्टॉल करवा सकते हैं। वहीं फ्रंट में थोड़ी सी देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो है ना फ्रंट पार्किंग कैमरा भी अवेलेबल हो जाती है, दैट्स मीन यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेरिएंट में जो है ना 360 व्यू कैमरा आपको यहाँ पे ऑफर करा गया है। इवन फ्रंट ग्रिल्स आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक एलिमेंट्स में फ्रंट ग्रिल्स अवेलेबल है गाइस। और वहीं आप देख लो थोड़ी सी डाउन पे, तो डाउन भी जो आपको यहाँ पे क्रोम एसेंट्स दिख रहे हैं ना ये एजेसरीज यहाँ पे इंस्टॉल है। सो अगर आप ये भी इंस्टॉल करवाना चाहते हैं देन आप इंस्टॉल करवा सकते हैं फ्रॉम डीलरशिप। एंड बात करूँगा मैं साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाली है, एज वेल एज अगर मैं वही बात करूँ तो ये टोटली टॉप मॉडल है, एसेंस वेरिएंट है। और यहाँ पे टायर साइज की मैं बात करूँ तो बहुत ही बड़ा गाइज आपको यहाँ पे जो है ना टायर अवेलेबल हो जाती है, 18 इंच का आपको टायर्स अवेलेबल है। और अलॉय देखेंगे तो ड्यूल ट्यून पे आपको यहाँ पे पर्टिकुलर वेरिएंट में अलॉय व्हील ऑफर करी गई है। फोर व्हील डिस्क है। इवन ग्राउंड केस की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे जो है 186 mm की ग्राउंड केस ऑफर करी गई है गाइज। और यहाँ पे देख लो तो आपको यहाँ पे जो है ना चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल है, और ये जो गाड़ी है गाड़ी साथ आपको यहाँ पे 7.4 किलोवाट के जो है ना चार्जर ऑफर करा जाएगा, जो कि 0 to 100% 6 to 7 आवर्स में आपको कंप्लीट करके देगा। अगर आपको बहुत जल्दी चार्ज करना है दैट्स मीन आपको वहाँ पे जो है ना आपको डीसी चार्जर परचेस करना पड़ेगा जो कि 50 किलोवाट का होगा, और आप जो कि गाड़ी के 0 to 80% आपको यहाँ पे जो केवल 55 मिनट में आपको करके देने वाला है। सो वॉल्यूम देख लो तो बॉडी कलर वॉल्यूम भी साइड इंडिकेटर साथ आपको यहाँ पे मिल जाती है, और यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो है कैमरे की प्लेसमेंट गाइस अवेलेबल हो जाती है। और वन मोर थिंग आप देखेंगे साइड पे तो साइड बीट आपको यहाँ पे जो है ना बॉडी साइड बॉडी क्लैडिंग अवेलेबल है, जो कि एज एज सीरीज यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। डाउन पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो है ना क्रोम भी मिल रहा है, बट डोर हैंडल्स आप देख लो, डोर हैंडल भी बहुत ही बढ़िया सा आपको यहाँ पे जो है ना कुछ इस तरीके से दिया गया है। इवन फुल्ली इलेक्ट्रिकली मतलब गाड़ियाँ लॉक है, तो गाड़ियाँ लॉक के पोजिशन पे ना कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है डोर हैंडल मिलने वाली है। एबीसी पिलर आप देख लो तो एबीसी पिलर गाइज आपको यहाँ पे जो है ना फुल्ली ब्लैक फिनिशिंग में गाइज यहाँ पे दिया गया है। इवन ये जो पोर्शन आप देखेंगे ना ये पोर्शन भी आपको यहाँ पे फुल्ली ग्लॉसी मिलने वाली है। सो वन मोर थिंग आप यहाँ पे देख लो तो आपको यहाँ पे भी जो यहाँ पे एलिमेंट्स दिख रहा है ये एसेसरीज है, इवन यहाँ पे भी एसेसरीज ये पे इंस्टॉल करा गया है। सो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे जो है ना एसेसरीज के बतौर लगी हुई है। सो अगर आप ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप डीलर से इंस्टॉल करवा सकते हैं। इवन थोड़ी अपर में देखें तो अपर में आपको बकायदा बढ़िया सा आपको यहाँ पे जो है ना गाइस स्पॉइलर अवेलेबल हो जाती है, और यहाँ पे देखें तो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप भी आपको अपर में दिया गया है। सो मैं रियर विंडशील्ड की बात करूँ तो आपको यहाँ पे जो है ना वाइपर वॉशर तो अवेलेबल नहीं है, बट हाँ आपको यहाँ पे डिफॉगर ऑफर करा गया है। इवन रियर प्रोफाइल देख लो, देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है, मैंने फ्रंट से जैसे बहुत ही फ्यूचरिस्टिक से लग रहा था ना रियर से भी गाइज आपको यहाँ पे जो है ना विंडशील्ड कुछ बहुत ही बढ़िया सा दिखने वाली है। कनेक्ट आपको यहाँ पे जो है टेल लाइट अवेलेबल हो जाती है, साइड इंडिकेटर प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे देख लो टीवी की बैचिंग आपको यहाँ पे दी गई है। एंड वन मोर थिंग आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे विंडशील्ड की बैचिंग भी मिल जाती है, और रिवर्स पार्किंग कैमरा डेफिनेटली आपको यहाँ पे दिया गया है, बट आपको यहाँ पे जो है ना 4 पार्किंग सेंसर्स भी गाइज मिलने वाली है। और डाउन पे भी देखें तो आपको डाउन से रिफ्लेक्टर कुछ इस तरीके से मिलने वाली है, सो बहुत ही बढ़िया ऐसा है। इवन यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी क्रोम एसेंट्स आपको अवेलेबल हो जाती है, और रियर पार्किंग कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पे प्लेस्ड है।
बहुत बड़ा गाइज आपको यहाँ पे जो है ना बूट स्पेस ऑफर करा गया 604 लीटर का आपको यहाँ पे जो है पर्टिकुलर वेरिएंट क्या यार, विंडसर में जितनी भी है सारे वेरिएंट में आपको यहाँ पे 604 लीटर का आपको यहाँ पे जो है ना बूट स्पेस मिलने वाली है। और ये देख लो बूट लाइट आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। और वह दूसरी चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे चार्जर ऑफर करा गया है जो कि 7.4 किलोवाट का एसी चार्जर है। मैंने पहले बताया कि अगर आप डीसी चार्जर परचेस करना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी आप गाड़ी को चार्ज करना चाह रहे हैं, देन आप डीसी जो है चार्जर परचेस कर सकते हैं। रियर सीट की मैं बात करूँ तो 60-40 स्प्लिट में आपको यहाँ पे गाइज रियर सीट ऑफर करा गया है। और बहुत अच्छी बात जो एमजी का आपको यहाँ पे ये जो चीज़ मिल रहा है ना, ये एज ऐसा सीरीज लगा हुआ है, सो अगर आप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, आप लगवाना चाहते हैं, देन आप डीलर से इंस्टॉल करवा सकते हैं। सो चलो कर लेते हैं अपन इसको। सो गाइज ये तो था एमजी विंडसर का एक्सटीरियर, चलते हैं अब इंटीरियर पर। इंटीरियर में जाने से पहले एक जादू देखा कि आपने, जैसे मैं गाड़ी के क्लोज आया, गाड़ी ऑटोमेटिक जो है अनलॉक हो गई है। सो इसके भी अपन बताते हैं कैसे क्या होता है। एंड उससे पहले बात कर लेता हूँ इस गाड़ी के डोर ट्रिम की। और डोर ट्रिम की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे जो है फुल्ली नाइट ब्लैक कलर के आपको यहाँ पे जो है ना भाई इंटीरियर मिलने वाली है। बट हम पहले यहाँ से बात कर लेते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो सिल्वर गोल्डन कलर की आपको यहाँ पे जो है एसेंट्स मिल जाती है जो कि ग्रैब हैंडल के रूप में यहाँ पे है। इवन यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको इंटीरियर डोर हैंडल मिलने वाली है। सो फोर विंडो पावर कंट्रोल्स अवेलेबल हो जाती है जो कि चारों विंडो जो है ऑटो अप एंड ऑटो डाउन है गाइस। इवन स्पीकर प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाती है। एम्बियंट लाइट आप यहाँ पे देख रहे हो ना, एम्बियंट लाइट आपको यहाँ पे प्लेस मिल जाती है। और ये जो आपकी शीशे में आपको यहाँ पे पूरी जगह गाइज आपको यहाँ पे जो है एम्बियंट लाइट अवेलेबल हो जाती है। सो यहाँ पे देख लो, और यहाँ पे जो है ना वुडन कलर पे है बट प्लास्टिक मटेरियल है, बट वुडन फिनिशिंग आपको यहाँ पे, वुडन टच आपको यहाँ पे, वुडन फील आपको यहाँ पे दिया गया है। और ये पोर्शन है आपको यहाँ पे शॉप टच फिनिशिंग के साथ अवेलेबल हो जाती है। सो स्पीकर प्लेसमेंट आपको एक यहाँ पे मिल जाते हैं और यहाँ पे भी दिया गया है। सो मैं बता दूँ आपको यहाँ पे जो है ना 4 स्पीकर 4 ट्यूनर एंड 1 सबवूफर आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। और वही बात करूँ अगर एम्बियंट लाइट की तो आपको एम्बियंट लाइट गाइस आपको यहाँ पे भी मिल रही है। और कलर ऑप्शन की मैं बात करूँ ना तो 256 एम्बियंट लाइट कलर ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है विंडशील्ड पे अवेलेबल हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूज है गाइज, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इवन मैं बात करूँ सीट की तो सीट आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो है ना एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ अवेलेबल हो जाती है। फुल लेदर होस्ट्री है और ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड का जो आपको सीट मिल रहा है वो आपको वेंटिलेटेड सीट मिल रहा है। इवन यहाँ से इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको यहाँ पर जो है सीट्स अवेलेबल हो जाती हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया सा है। इवन साइड से देख लो यार, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक, काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर लग्जरीज फील होने वाली है आपको यहाँ पर जो है ना विंडशील्ड में। इवन स्टेरिंग की बात करें तो आपको यहाँ पे अंदर जाकर खैर स्टेरिंग की बात करेंगे, पर ये पोर्शन आप देख लो तो आपको यहाँ पे जो है ना अगेन आपको यहाँ पे वुडन फिनिशिंग अवेलेबल हो जाती है। पार्किंग बटन आपको यहाँ पे दिया गया है और अगेन यहाँ से आप इजीली आप अपने बोनट को ओपन कर सकते हैं। सो चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर पे जाके बात करते हैं और क्या कुछ आपको फीचर्स अवेलेबल हो जाती है। सो लेट्स गो गाइस। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं विंडसर के इंटीरियर पे और इंटीरियर आते एक बार डैशबोर्ड देख लो यार, बहुत फ्यूचरिस्टिक से गाइस आपको यहाँ पे जो है ना डैशबोर्ड मिलने वाली है। इवन ये डैशबोर्ड का स्पेस तो देखो, वहाँ पे पूरा ग्लास हो रखा है और ये जो स्पेस है बहुत ही ज्यादा आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है। खैर वो दिखते हैं। इवन मैं बात करूँगा स्टेयरिंग की, फ्लैट बॉटम में स्टेयरिंग आपको अवेलेबल हो जाती है। स्टेयरिंग आपको यहाँ पे लेदर रैप्ड भी ऑफर करा गया है। सो मिड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो है एमजी के ब्रांडिंग लोगो, यहाँ से आप क्रूज कंट्रोल कर सकते हैं। इवन यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम कंट्रोल्स है। इवन आप यहाँ से जो है वॉल्यूम को इंक्रीज एंड डिक्रीज और चेंज कर सकते हैं। सो अगेन यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो है ना, अब की बार यहाँ पे वाइपर वॉशर नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपको गियर का भाई देख लो, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव मोड आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। पार्किंग मोड के बटन आपको यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे दिया गया है आपको जो है ना वाइपर वॉशर के कंट्रोलिंग्स। वहीं स्टेरिंग की मैं बात कर लूँ तो स्टेरिंग आपको यहाँ पे जो है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाती है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इवन एक क्वेश्चन आ गया होगा कि यार अब इसके हेडलाइट कहाँ से अपन ऑन करेंगे। सो अपन वीडियो के आगे बात करने वाले हो चीज़ पे। उससे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 8.8 इंच का आपको यहाँ पे जो है ना डिजिटली ही मिलने वाली है। ऑन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे पावर कितनी गाड़ी जनरेट कर रही है आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। ट्रिप इवन यहाँ पे 186.8 किलोमीटर आपको यहाँ पे ट्रिप भी कर देख सकते हैं इजिली। सो वन मोर थिंग, आप यहाँ पे देखेंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल, एबीएस, एबीडी आपको यहाँ पे मिल रहा है। और इस गाड़ी की बात करूँ तो टीपीएस आपको यहाँ पे टीपीएमएस अवेलेबल है, टायर प्रेशर मॉनिटर। सो बात करें अगर हम इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की गाइज, तो लैपटॉप साइज की यार आपको यहाँ पे जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम गाइज मिलने वाली है। 15.6 इंचेस का आपको यहाँ पे जो है इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। जिसकी कनेक्टिविटी की बात कर लूँ तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं एप्पल कारप्ले, ऑटो एंड्रॉयड, बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं जो कि हम इस वीडियो में तो बिल्कुल भी कवर नहीं कर सकते। बट मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ देख लो आप तो एसी कंट्रोल्स आप यहाँ से ही कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है। इवन यहाँ पे जो है
ऑन करना है तो आपकी ये ऑन हो जाएगी एसी कंट्रोलिंग्स। इवन वहीं अगर बात करें हम म्यूजिक की तो म्यूजिक का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया होने वाला है। जैसे मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे जो है ना फोर स्पीकर फोर ट्यूटर एंड वन सबवूफर आपको यहाँ पे मिल जाती है। रिवर्स पार्किंग कैमरा एडाप्टिव गाइडलाइंस के साथ आपको अवेलेबल हो जाती है। 360 व्यू कैमरा अवेलेबल है। इवन यहाँ पे देखिए तो आपको यहाँ पे कुछ शो हो रही है, बट एक चीज मैं बताऊँ क्या, फ्रंट कैमरा जो है ना, मतलब लगभग अभी 11:30 बज रहे होंगे, बट यार फ्रंट कैमरा आप देखें तो इतना कुछ क्लियर सा आपको यहाँ पर जो है ना देखने को नहीं मिल रही है। सो थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था इस पर। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे जो है ना कई सारे फीचर्स आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मिल रहे हैं। लाइक आप यहाँ से जो है आप जो हेडलैम्प्स आप यहाँ से ही कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। लाइक आपको यहाँ पे बटन जो है ना नहीं मिल रही, जो यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके यहाँ से जो है हेडलाइट आप यहाँ पे ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। इवन वहीं अगर मैं बात कर लूँ इसके सनरूफ की, तो सनरूफ गाइज आपको यहाँ पे जो है यहाँ से ओपन होगी। जैसे मैं यहाँ ये डाउन कर दिया और ये देखेंगे आप तो ये जो है ना सनरूफ बंद हो रही है। सो फॉर नाउ आई थिंक आई हैव टू ऑन इट। ओके सो जस्ट क्लोज कर दे रहे हैं अपन। सो बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं और इस वीडियो में जैसे मैंने बोला कि कवर करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा। एंड यहाँ पे देखेंगे तो एशिया इवेंट्स अवेलेबल हो जाती हैं। यहाँ पे भी एक चीज आप देखेंगे तो बढ़िया सिल्वर एसेंट्स आपको अवेलेबल करा गया है। सो वन मोर थिंग, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे वुडन फिनिशिंग अवेलेबल हो जाती है और ये यहाँ पे ये पैनल जो है ना आपको सॉफ्ट टच फिनिशिंग दिया गया है। सो यार मैं बताऊँ प्रीमियमनेस की बात करूँ, अगर मैं रिच फीचर्स की मैं बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे प्रीमियमनेस के साथ ही गाड़ी लॉन्च करा किया है। सेफ्टी की अगर हम बात कर ले तो आपको यहाँ पे 6 एयरबैग ऑफर करी गई है और एम्बियंट लाइट आपको यहाँ पे दिया गया है। जिसके कलर ऑप्शंस की मैंने बात करी है, 256 कलर ऑप्शंस अवेलेबल हो जाती है एम्बियंट लाइट में आपको। सो बहुत ह्यूज नंबर है यार ये। इवन बात करें हम ग्लोब बॉक्स की तो ग्लोब बॉक्स डिसेंट सा है, उतना कुछ ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एसी कंट्रोल से आपको यहाँ पे भी मैनुअली दी गई है और आप जो है इलेक्ट्रिकली नहीं मैनुअली कर सकते हैं और आप इंफोटेनमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे ट्विन का फोल्डर्स अवेलेबल हो जाती है। अगेन आपको यहाँ पे जो है ना बहुत ही बढ़िया सा वुडन फिनिशिंग अवेलेबल हो जाती है गाइस। वायरलेस चार्जिंग आपको यहाँ पे दिया गया है। डेफिनेटली सर 15.50 लाख की एक शोरूम की गाड़ी है, सारे फीचर्स आपको मिलने थे बट बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं गाइस। आर्मरेस्ट देख लो फिक्स है एंड लेदर टच के साथ आपको यहाँ पे मिल रही है। एज यूजुअल आपको नीचे स्टोरेज भी दिया गया है और यहाँ पे देखेंगे तो 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट भी मिलने वाली है। एंड वन मोर थिंग, आप थोड़ी सी नीचे देख लो, आप नीचे भी आपको एक कंपार्टमेंट मिल रहा है जो कि स्टोरेज का है और ये आप क्लोज कर सकते हैं, बट वहीं पे देखेंगे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी आपको मिल जाती है। सो फीचर्स यहाँ पे जो है ना बहुत ही रिच फीचर्स गाइज आपको अवेलेबल हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं। एंड वन मोर थिंग, आप यहाँ पे जो है ना सनवाइजर है जो कि वैनिटी मिरर के साथ मिल रहा है और वैनिटी मिरर के साथ लाइट भी आपको यहाँ पे गाइज मिल वाली है। एलईडी रीडिंग लाइट्स अवेलेबल हो जाती है और ड्राइवर साइड का आपको यहाँ पे देखेंगे सनवाइजर जो है वैनिटी मिरर के साथ मिल रही है और इंटीग्रेटेड लाइट के साथ भी यहाँ पे दिया गया है। सो सेफ्टी की मैंने बात करी है कि आपको यहाँ पे जो है TPMS तो मिल ही रहा है मैंने बोला था, बट आप यहाँ पे देखें तो स्टीयरिंग आपको यहाँ पे 2 स्पोक मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं। बाकी बात रही इंफोटेनमेंट सिस्टम की तो आपको यहाँ पे जो है जियो सावन भी इनबिल्ड मिलती है गाइस, तो आपको बहुत ही बढ़िया म्यूजिक एक्सपीरियंस आप यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे जो है बहुत ही स्मूथली आपका जो है ना इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको जियो सावन ऑन हो जाएगा। और टच की मैं बात करूँ तो बहुत ही स्मूथ टच वर्क कर रही है। लाइक जैसे कि मैंने यहाँ टच करा है जस्ट और तुरंत ही मैं ये बैक हो गया। सो गाइज ये तो था इस गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल। अब चलते हैं इस गाड़ी के रियर सीट पर, वहाँ जाके बात करते हैं क्या कुछ स्पेस आपको रियर सीट में मिलने वाले। सो लेट्स गो दोस्तों। अगर मैं विंडसर की रियर सीट की स्पेस की मैं बात करूं तो रियर सीट पे भी गाइज आपको बहुत ही बढ़िया से स्पेस मिल जाती है। यहां जैसे देख पा रहा हूँ अगर देखने पे ही बहुत ज़्यादा स्पेस गाइज आपको यहां पे मिल रही है। इवन यहां पे देखेंगे थाई सपोर्ट भी आपको बहुत ही परफेक्ट मिलने वाली है। सीट की रिक्लाइनिंग देख लो, परफेक्ट रिक्लाइनिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। और एक चीज़ बहुत ही बढ़िया जो चीज़ है ना ये देख लो, ये जो आपको यहाँ पे सर्फेस मिल रहा है ना फुल्ली फ्लैट मिल रहा है, तो भाई जो बीच में बैठता है ना उसके लिए दिक्कत नहीं होनी है कि ईजी वो कम्फर्टेबली वहाँ पर बैठ सकता है। इवन मैं डोर ट्रिम की अगर बात करूँ तो सेम डोर ट्रिम आपको यहाँ पे मिल रही है और ये ब्लैक कलर के जो नाइट ब्लैक कलर की जो ये थीम रखा गया है इंटीरियर में रखा गया है ना उसके साथ यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे जो है ना गोल्डन ब्राउन कलर का जो ये एसेंस लगा हुआ है भाई बहुत ही चार चांद लगा रहा है।
इंडेन डोर हैंडल भी आपको यहाँ पे सेम कुछ इस तरीके से मिलने वाली है। स्पीकर में भी कलर देखेंगे तो आपको सेम मिल जाती है, एम्बिएंट लाइट अवेलेबल हो जाती है, स्पीकर प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाती है, इवन बॉटल होल्डर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे दिया गया है। सो चलते हैं इस गाड़ी के रियर सीट पे, वहाँ बैठ के बात करते हैं। एंड बैठना क्या यार, बैठ ही गए अपन तो। एंड गाइज थाई सपोर्ट देख लो आप, पहले तो सबसे पहले फुल थाई सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल रही है। इवन लेग रूम की बात करूँ तो भाई बहुत बढ़िया, बहुत ही कंफर्टेबल आपको यहाँ पे लेग रूम दिया गया है। और नी स्पेस की तो बात ही नहीं है यार, नी स्पेस देख लो ना, इतना ज़्यादा आपको गाइज आपको यहाँ पे जो है ना नी स्पेस अवेलेबल हो जाती है। इवन हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम भी बहुत ही कंफर्टेबल है। रियर यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर अवेलेबल हो जाती है, रियर एसी वेंट अवेलेबल है और यहाँ पे दिया गया है बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे देखेंगे तो गोल्डन ब्राउन कलर का आपको एसेंट्स भी दिया गया है। सो वन मोर थिंग, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो है अगेन वुडन फिनिशिंग मिल रही है और कुछ फोन रखने का स्टोरेज आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट नहीं है, बट आपको हाँ यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट गाइस अवेलेबल है। सो वन मोर थिंग, यहाँ से देख लो भाई फुल्ली लैपटॉप वाली फीलिंग आने वाली है भाई, इतना बड़ा आपको यहाँ पे जो है ना इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है, एक लैपटॉप वाली फीलिंग तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे मिलने वाली है। क्योंकि यार 15.6 इंच यार मायने रखता है भाई, इतना बड़ा यहाँ पे इन्होंने ना दे रखा है इंफोटेनमेंट सिस्टम, देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। गाड़ी बहुत फ्यूचरिस्टिक सी लग रही है, फीचर्स बहुत रिच है, इवन फीचर्स में ना कहीं भी आपको यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं देखने को मिलने वाली। और ये देख लो सनरूफ, फुल्ली पनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ पे दिया गया है, जिसकी कनेक्टिविटी जिसको आप ओपन कर सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम से, क्योंकि एक्स्ट्रा बटन तो भाई इसके लिए मैनुअल बटन तो नहीं दिया गया है। तो गाइज ये तो था इस गाड़ी के एक्सटीरियर इंटीरियर। अब चलते हैं इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन पे, वहाँ जाके बात करते हैं क्या कुछ पावर्स एंड टॉर्क्स गाड़ी जनरेट करके देती है। सो लेट्स गो दोस्तों, बात करो इस गाड़ी का अगर इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो आपको यहाँ पे जो है ना गाइज इंजन कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलने वाली, बहुत छोटो सा आपको यहाँ पे बोनट देने को मिल जाती है। इवन भाई बैटरी पैक की अगर मैं बात करूँ, 38 किलो वाट की बैटरी आपको यहाँ पे जो है ना प्लेस करी गई है, जो कि 134 बीएचपी पावर जनरेट करती है। एंड वहीं 200 न्यूटन मीटर का आपको यहाँ पे जो है टॉर्क जनरेट करके देने वाली है। और बैटरी प्लेसमेंट आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिल जाएगी देखने को। और वहीं इंजन प्रोटेक्शन की बात करूँ तो इंजन प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है, एटलीस्ट इंजन प्रोटेक्शन यहाँ पे गाइस देना चाहिए था। वहीं गाड़ी के हम रेंज की अगर बात कर लूँ तो आपको यहाँ पे जो है ना 361 किलोमीटर का गाड़ी आपको यहाँ पे जो है कंपनी आपको यहाँ पे जो है ना रेंज ऑफर करती है। सो गाइज ये तो था एमजी विंडसर के टॉप मॉडल का फुल वॉकर इंटरव्यू। गाइज आपको वीडियो कैसा लगा, इस गाड़ी का आपको फीचर्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।